बहुत लोग कमजोर होते हैं, तो जो कमजोर लोग हैं उनको शतावर, जो अंडरवेट है, जो अंडरवेट है शतावर का चूर्ण एक चम्मच लेना चाहिए रात। शतावर, डेट्स, खजूर, केला और आम के सीजन में आम, आम, केला, खजूर, शतावर, दूध, दही, घी, ये सेहत बनाने वाली चीजें, जिनका वजन कम है, शरीर कमजोर है और शरीर में बोले लगता नहीं है, अब उसके लिए तो कपाल भाती और सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करो, मेरी तरह से दंड बैठक लगाया करो, अच्छी लाइफस्टाइल। मैं कह रहा था शतावर चुन लिया करें जो कमजोर है, सेहत नहीं बन रही है। बोले बाबा जी बालक घी तो बहुत खाता है, हरियाणा में तो गोंद का लड्डू, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह के पाक, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मैं देखता हूँ अलग अलग जगह अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं लोग, सर्दी में विशेष प्रकार का एक पौष्टिक भोजन बनाते हैं, लेकिन किसी किसी के शरीर में लगता ही नहीं है। तो सुबह सुबह कपाल भाती करें, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, दौड़ लगाएं और फिर ये शतावर चूर्ण रात को लें जिनकी सेहत कमजोर है। शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, जो गृहस्थ लोग हैं उनको तो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, इसके लिए हमने जो है मूसली पाक और ये सब भी बना रखा है। शाम को क्या करें, शाम को आप दूध में च्यवनप्राश लें, एक चम्मच च्यवनप्राश और दूध ले लिया, वैसे सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, दोनों टाइम भी ले सकते हैं सुबह शाम। सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, इसमें हजारों रुपए तो खर्च हो जाते हैं, शरीर बेकार होता है, समय बर्बाद होता है, कष्ट होता है, तो भाई ऐसा काम क्यों करना। आप जो मैं लाइफस्टाइल बता रहा हूं इसको अपना लीजिए, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ऐसा लिया मैं सेटोमेंट डिजीज जैसी बीमारियों की तो बात ही नहीं, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां भी आपको नहीं होंगी जो मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूं। तो सुबह के बाद में शाम के बारे में बता रहा था, शाम को आप एक चम्मच च्यवनप्राश ले लिया और दूध पी लिया। किसी किसी को अकेला दूध पीना अच्छा नहीं लगता, तो दूध में हल्दी डाल सकते हैं, दूध में केसर डाल सकते हैं, दूध में सिलाजी डाल सकते हैं, सिलाजी तो हम आपको लिक्विड भी देते हैं, दूध का टेस्टी कॉफी जैसा हो जाता है, उसका कैप्सूल भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, अश्वशिला भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो जिसको अनुकूलता हो वैसा ले लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, केसर भी अद्भुत है पतंजलि का, बहुत जबरदस्त है, उसका इस्तेमाल किया करें, वो भी कश्मीरी केसर है, ईरानी केसर नहीं है, और उसका लाभ अद्भुत है। खैर, इसी तरह से मैं कह रहा था दूध के साथ आप च्यवनप्राश लें, दूध के साथ आप बादाम पाक ले लें, दूध के साथ आप मुरब्बा ले लें, आंवले का, या आंवले का मुरब्बा है, आंवला का या बेल का मुरब्बा ले लें आप, आंवला, बेल का मुरब्बा या कैंडी ले लें दूध के साथ, दूध के साथ आप जो है च्यवनप्राश ले लें, बादाम पाक बहुत अच्छी चीज है।